पिछले दिनों सीहोर में आई बाढ़ के सर्वे में कोई भी बाढ़ प्रभावित व्यक्ति नहीं छूटे, ये निर्देश प्रदेश के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बाढ़ से हुए नुकसान और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर बाढ़ से हुए नुकसान, फसल क्षति, मकान क्षति और पशु हानि का सर्वे कर प्रभावितों को शीघ्र राहत पहुंचाना सुनिश्चित करें। मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि जिले में अतिवृष्टि या बाढ़ के कारण हुई क्षति के सर्वे के बाद प्रभावितों को नियमानुसार राहत राशि वितरित की जाए। मंत्री डॉक्टर चौधरी ने जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल पुलियाओं की मरम्मत के जिले संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि आष्टा में 6,260 हेक्टेयर में बोई गई सोयाबीन फसल को 15 से 20% क्षति हुई है। बैठक में विधायक सुदेश रॉय, रघुनाथ मालवीय, जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल सिंह, इंजीनियर सहित अनेक जनप्रतिनिधि ने बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। पात्र हैं वो उसमें से कोई छूटे ना, इसको हमें बारीकी से देखना है कि किस प्रकार होता है। कभी कभी हम लोग जाते हैं ना, तो इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। जैसे आवास कहीं मतलब आंशिक रूप से भी अगर हुआ है उसको जितनी भी राशि मिलता है, तो ये भी एक टाइम लिमिट में अपना प्रोग्राम वहाँ हम लोगों को बना कर उनका सब सर्वेकरण किया जाए। पशु हानि है या जो जन हानि है, इनके लिए जो सहानुभूति पूर्वक क्या है, जिस तरीके सरकार की योजना है जो है, उसका अगर इंजन को लाभ मिल सकता है उसका सारा हम लोग देख लें।